ऑन योर स्क्रीन आप देख रहे हैं पेजर नाम के एक 9-year-old मकैक को जो एक जॉयस्टिक यूज करके एक कर्सर गाइडिंग इंटरफेस को चला रहा है. नाउ जस्ट फोकस ऑन हिज स्क्रीन एंड यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय व्हाट द मंकी इज डूइंग. हाउएवर फोकस ऑन द डिसकनेक्टेड वायर फ्रॉम द जॉयस्टिक, प्लीज नोटिस दैट एंड यू आर अबाउट टू बी इम्प्रेस्ड बाय द मंकीज डिसेंडेंट्स अस ह्यूमन बींग्स. How is this happening? Pager के ब्रेन में दोनों साइड्स पे एक एक न्यूरल लिंक इम्प्लांटेड है विच इज हेल्पिंग इट कंट्रोल द कंप्यूटर माइंड मैजिकली. इनफैक्ट पेजर कैन एक्चुअली इवन प्ले पोंग, दैट फेमस ओल्ड रेट्रो वीडियो गेम. एंड आप स्पीड देखिए एंड लुक मा, नो हैंड्स. सो वॉट इज न्यूरल लिंक एंड वाई डिड मस्क पुट इट इन साइड ए ह्यूमन रिसेंटली? Yesterday through a tweet, Elon Musk ने confirm किया कि Neuralink का पहला human test subject, उसको implants मिल गए हैं, that the test subject is recovering well, and that the initial results are promising. Neuralink Elon Musk का ही एक hi-fi tech company है, जिसका aim है हमारे human brains को wirelessly computer से connect कर देना. For now, the company says that their goal is medical. Of course, इसके medical applications बहुत हैं. And in the future, it will be about unlocking human potential. So, I feel right now थोड़ा सा vague है. But इनका पहला product, एक brain-computer interface है, जो एक advanced robo-surgeon के through आपके brain में implant किया जाएगा. Yes, there is surgery involved. And उसको आपके brain के साथ implant किया जाता है. ये आपके neural signals को catch करके, wirelessly, Neuralink के पेरेंट डिवाइस पे रिले करता रहेगा. सो दिस मीन्स इट लेट्स यू कंट्रोल दैट डिवाइस विदाउट मूविंग अ मसल, जस्ट लाइक द मंकी वाज प्लेइंग पोंग. द मंकी वो सिर्फ ये इमेजिन कर रहा था दैट इट वाज मूविंग द जॉयस्टिक, उसको उस अकॉर्डिंगली ट्रेन किया गया था. ऑन वन हैंड इमेजिन द पॉसिबिलिटीज. अदर कंपनीज इन द सेम फील्ड हैव डेमोंस्ट्रेटेड दैट पीपल विद पैरालिसिस कैन वॉक using an adaptation of the same technology, but differences भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है. So A, I mean this is invasive surgery of the brain. So आपके brain में surgery के through incision करके इसको implant किया जाता है. So hair-like threads they are implanted on that part of the brain which controls movement intention. In the past there have been reports of animals dying while testing by Neuralink testing के दौरान. So it is that early stage tech. And words like imagining Stephen Hawking communicating faster, they sound very rosy. People with disabilities will be able to lead better lives, sounds very rosy. In fact, hum humans, hamari bhi, machines ke saath communications bhi better ho jayengi. That also sounds really good. But a reality check about incorrect surgery, infections, irreversible damage to the brain, I think they all should be kept in mind as well. And also, मैं आपका ध्यान इस टेक्नोलॉजी के काफ़ी और एडवांस हो जाने के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इससे जो डेवलप हो सकती है ना प्रिवेसी इश्यूज, उनकी तरफ भी फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ले जाना चाहता हूँ. बट एनीवेज, फॉर नाउ कीप वॉचिंग NDTV नेटवर्क्स फॉर डेवलपमेंट्स ऑन दिस स्टोरी एंड द माइंड बॉगलिंग स्टार ट्रेक लाइक टेक दैट दिस इज ब्रिंगिंग.